Good evening, students. Good evening, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. तो Unacademy के YouTube channel Unacademy UPSC Articulate पर सभी लोगों का स्वागत है, students. Before proceeding ahead, let me know if I am audible and visible so that we may proceed ahead in today's session. Yes, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी लोगों का, students, आज के session में. आज 8, 9, 10 तीनों दिन के न्यूज देखेंगे. दो एक न्यूज छूट जाएगा, कल देखेंगे हम लोग, ठीक है. बट मैक्सिमम न्यूज आई हैव ट्राई टू कवर इट टुडे. ओके, तो चलिए अगले एक घंटे में यू आर गोइंग टू हैव इट हैव द इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ लास्ट 3 days इन योर माइंड, इन योर कॉपी एंड ऑल्सो द पीडीएफ यू आर गोइंग टू हैव आफ्टर 1 hour और सो. ओके, तबीयत पूरी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक ठाक है, रिकवरी हुई है, अदरवाइज बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी 8 तारीख को, 7 तारीख को शाम को ही तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा. लेकिन चलिए, नहीं पढ़ाई होगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी, ठीक है, इसी को सोचकर पढ़ाई करना शुरू किया गया है. और लेट्स प्रोसीड अहेड, ठीक है. दिस इज डॉक्टर अनुराग और आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं थोड़ा कम ही बोलूंगा अभी आज, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करवा दूंगा. Because I'm having a dry cough and it's irritating my throat. Okay. तो ये देखिए टेलीग्राम चैनल Unacademy _ अनुराग सिंह, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पीडीएफ एंड फर्दर अपडेट्स के लिए. एंड मेरे बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, और मेरा इतिहास आप जानते ही हैं, यू कैन सी इट हियर, ठीक है, यू कैन सी. सो देयर इज अ मेगा एक्सटेंशन ऑफर जुलाई 8 तक था, ये देखिए Unacademy की तरफ से. ऑल्सो CSE अश्योर going on, just 2 years in above subscription and get 1 year of extra subscription if you are not satisfied with the result. ठीक है, एक साल का subscription बिना किसी payment, extra payment के, ठीक है. And UPSC CSE test series, mains test series and optional test series, use code Anurag to get this test series in your subscription box. And you can see it, students, जितने भी subscriptions है सब पे अनुराग वर्ड यूज करके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, गेट अ 10% ऑफ. एंड यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स, आज ये 170 प्लस टॉपर्स हैव क्वालिफाइड फ्रॉम Unacademy इन 2020 and 2021. गो फॉर द सब्सक्रिप्शंस नाउ. लोन्स एट 0% इंटरेस्ट रेट्स आर अवेलेबल फॉर द सब्सक्रिप्शन. एंड जुलाई 6 ये आप देख सकते हैं, जुलाई 14 से नए बैचेस अपकमिंग है, आप देख सकते हैं एवरी वेडनेसडे. So enroll for the subscriptions and get the new batches. ठीक है, doubt दरबार देखिए UPSC aspirants के लिए शुरू किया गया, free doubt solving sessions आप देख सकते हैं, enroll कीजिए using the code Anurag and ठीक है, and go on to ask the doubts. ये देखिए 10 जुलाई का ही है, आज का ही है. चलिए आगे बढ़े students, let me टेल यू, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. और ये देखिए मेरा प्रोफाइल लिंक अनुराग IMS, सर्च कीजिए एंड फॉलो कीजिए, ठीक है. कोई भी डाउट्स होगा टेलीग्राम पे मुझसे पूछिए, ठीक है, कोई भी डाउट्स है रिलेटेड डाउट्स, तो ये अनुराग IMS मेरा प्रोफाइल लिंक है, फॉलो कीजिए एंड लेट्स प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन. ये देखिए 8, 9, 10 तारीख के करंट अफेयर्स, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच फॉर द मेंस एंड 360 डिग्री अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स. मेंस का अप्रोच आपको पता ही है क्या होता है, डिकोड द न्यूज, इंटरलिंक इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिलेबस. GS 1, 2, 3, 4 के सिलेबस में इंटरलिंक करना है, ऑप्शनल के सिलेबस में इंटरलिंक करना है, एंड 10-20 वर्ड्स निकाल लेना है उस न्यूज से, जिससे कि आप अपने आंसर राइटिंग में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकिए, ठीक है. एंड 360 डिग्री अप्रोच मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज नीड्स टू बी कवर्ड. बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए वहीं से सवाल निकलते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ चलते हैं, एटलस निकालिए, एटलस के बिना कोई भी तैयारी अधूरी है, जीवन की हो या यूपीएससी की, ठीक है. जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस निकालिए, न्यूज नोटबुक निकालिए और 3-4 कलर के पेन निकालिए. बढ़ चलते हैं आगे आज के सेशन की तरफ. ये देखिए पहला न्यूज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से पहला न्यूज ये रहा आपके स्क्रीन पर. एंशियंट बुद्धिस्ट साइट फाइनली इन फोकस. Archaeological Survey of India has taken up conservation work at the site in Karnataka after 2 decades. 1986, मैं बता दूं आपको नाम, year 1986 तक, ठीक है. दो छोटे छोटे गांव थे, सन्नति करके गांव था और कनगनहल्ली करके गांव था. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, स्टूडेंट्स हैव अ लुक यहाँ पे, ये देखिए
Sannati and Kanganhalli. A very small and ordinary villages on the bank of River Bhima. Very, very important students, ये देखिए. और वहीं पे इन्हीं गांव के पास में काली माता का एक मंदिर था और वही कोलैप्स कर गया सन्नती गांव में. ठीक है, कोलैप्स किया और उसके बाद जब उसका डेब्रिस क्लियर किया जा रहा था, डेब्रिस ठीक है यानी कि जो गिरा था, जो पत्थर गिरे थे, मंदिर जो गिरा था जब उसको क्लियर ऑफ किया जा रहा था, तो वहां पे अशोकन एडिक्ट मिलता है. ये देखिए एंड दैट बिगिंस अ न्यू हिस्ट्री. ठीक है, ये देखिए एंड वहीं से शुरू होता है एक नई खोज. बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के जो भी रॉक एडिक्ट्स थे उनकी खोज शुरू होती है उस जगह पे. और आज सन्नति और कंगनहल्ली दे आर नाउ अपॉन द वर्ल्ड मैप एज वन ऑफ द बुद्धिस्ट साइट्स. यस, ये देखिए. नहीं, तबीयत पूरी ठीक नहीं है लेकिन ठीक ठाक पढ़ाई कर लिया जाएगा. आइए देखते हैं स्टूडेंट्स. और इसके बाद यू कैन सी हियर ये कहाँ पे है. ठीक है, तो इट्स जस्ट अबव द वेरी फेमस. ठीक है, ये देखिए सन्नति विलेज एंड कंगनहल्ली विलेज जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, रिवर भीमा के पास में है. याद रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर है केजीएफ के. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. सो कोलार गोल्ड फील्ड्स के जस्ट मीन्स इट्स विद इन 200 किलोमीटर्स ऑफ कोलार रीजन, बेंगलोर रीजन. ठीक है, एंड दिस ये न्यूज, इस न्यूज से क्या निकालना है स्टूडेंट्स, रिवर भीमा पे ये गांव है दोनों, याद रखिएगा. ठीक है, रिवर भीमा के पर ही बुद्धिस्ट साइट से ये याद रखिएगा. ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इसे जरूर इंटरलिंक कीजिएगा अगर बुद्धिज्म के ऊपर कोई सवाल आया तो. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ. एंशिएंट जॉबोन स्पेन्स बर्गोस सिटी, ये देखिए. तो देखिए ये इंसान के इतिहास, देखिए खोजने के लिए, खोजने की कोशिश असफल रही है अभी तक, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी. ठीक है, कि हमारा जो पूरा क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, कैसे कैसे प्राइमेट्स में ह्यूमन बीइंग्स का राइज होता है, क्योंकि अभी भी बहुत फिलिंग द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स. एंथ्रोपोलॉजी के बच्चा लोग मुझे बताइए क्या अभी भी बहुत फिलिंग द ब्लैंक्स है. टेल मी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, ठीक है, या रामापिथेकस हो, या होमो एरेक्टस हो, ठीक है, जावा मैन, पैकिंग मैन, या होमो सेपियंस फ्लोरेंसिस हो, या नियनडर्थल मैन हो, बहुत सारे ऑर्डर में मिले हैं. ठीक है, लेकिन बहुत कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, अभी तक नहीं मिल पाया है कंप्लीट इतिहास कि इंसान कैसे प्राइमेट्स में, इंसान कब कहां सेपरेट हुआ, कैसे ये ब्रांच सेपरेट किया, और कैसे इंसान अलग से मींस ये शैतान दिमाग का प्राणी कैसे अलग हुआ बाकी प्राइमेट से. ये देखिए सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि ये खोजते खोजते कि हम कहां से राइज किए थे, हम शायद मींस इट्स नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक बट सीइंग द क्लाइमेट चेंज एंड अदर थिंग्स हैपनिंग, हम अब सिविलाइजेशन के उस आयाम पे पहुंच गए हैं जहां पे केवल दूर दूर तक हमें परेशानी और चिंताएं नजर आ रही है, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां सामने फेस कर रही हैं हमें. स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर आवर रूट्स. सो लेट्स सी, आर्कियोलॉजिस्ट इन स्पेन सेड ऑन फ्राइडे दैट दे हैड डग अप एन एंशिएंट जॉबोन दैट कुड हेल्प देम लुक इनटू द फेस ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स इन यूरोप. यू कैन हैव अ लुक स्टूडेंट्स. ये देखिए 1.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड का ये है. ठीक है, आपको पता होगा रेडियो कार्बन डेटिंग, उसी से तो पता लगाते हैं स्टूडेंट्स द एज ऑफ द फॉसिल. पता है आपको रेडियो कार्बन डेटिंग, मुझे बताइए स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये कहां पाया गया है, अतापुएर्का माउंटेन्स में. अतापुएर्का माउंटेन्स कहां पे है, यूपीएससी पेयर्स में पूछ सकती है. आइए देखते हैं, अतापुएर्का माउंटेन्स इज इन स्पेन, Northern Spain. Here are the famous Pyrenees Mountains. Just a minute, students. 2 minutes. Here are the famous Pyrenees Mountains, if I'm not wrong, जहाँ पे microplastics पाए गए थे 2 साल पहले. Here are the famous Cantabrian Mountains, if I'm not wrong, Cantabrian Mountains. ये देखिए. Agree कर रहे हैं, मुझे बताइए. ठीक है, अतापुएर्का माउंटेन्स. इज इट क्लियर, आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन, याद रखिएगा इस चीज को. क्या यही पे स्टूडेंट्स वो जगह है कैटालोनिया जो अलग फाइट के लिए लड़ाई
अलग होने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ये देखिए क्या चाल लौनिया, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ। ये एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे लोग जरूर नोट करेंगे डालने के लिए अपने आंसर में, वैल्यू एडिशन में। चलिए नेक्स्ट न्यूज, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट। ग्लेशियर्स इन द्रास आर रिसीडिंग फास्ट सेज स्टडी। द्रास और कारगिल सेक्टर की कहानी, ठीक है। सड़क के बगल में स्थित ग्लेशियर्स की जुबानी, ये देखिए। जो भी दिस ग्लेशियर्स रोड्स के जस्ट साइड में लोकेटेड है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। टू मिनट्स, यस। देखिए ये रोड्स हैं, रोड्स मिलिट्री रोड्स हों या नॉर्मल रोड्स हों, ठीक है, लद्दाख और श्रीनगर को कनेक्ट करता हुआ रोड हो, उसी के पास में द्रास और कारगिल में जितने नज़दीक हैं ये ग्लेशियर सब मेल्ट कर रहे हैं बहुत तेजी से। क्या रीजन हो सकता है मुझे बताइए, ठीक है। क्या रीजन हो सकता है मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या गाड़ियों के एग्जॉस्ट में, गाड़ियों के एग्जॉस्ट में, व्हीकल के एग्जॉस्ट में क्या ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं मुझे बताइए। देखिए ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स लिखा हुआ यहाँ पे, इतना कंसंट्रेशन बढ़ गया है कि जितनी सड़क के नजदीक में ग्लेशियर्स है सब मेल्ट कर रहे हैं तेजी से। ब्लैक बॉडी इफेक्ट सुना है आपने, ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स अब्सॉर्बिंग एवरी पार्ट ऑफ इट। ये देखिए स्टूडेंट्स, और यही देखिए द्रास और कारगिल कहाँ पे, देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए दिस इज द द्रास सेक्टर, दिस इज द कारगिल सेक्टर। ये देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के जस्ट बगल में स्थित, यहीं पे ग्लेशियर्स की कहानी ये बता रहा है, ये बयान कर रहा है ये आर्टिकल। Nothing else is important out here. ठीक है, यहाँ ये बताया जा रहा है that कारगिल में जब से युद्ध हुआ था उसके बाद से ही कोशिश ये रही कि यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। कनेक्टिविटी doesn't come without paying a cost. The cost is this. ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कनेक्टिविटी comes at a cost. Let's see what cost we have. लेकिन उस कनेक्टिविटी को देखने के पहले ये देख लीजिए थोड़ा सा सांपों का झुंड, देखिए यहाँ पे किंग कोबराज का, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आप बोलेगा सर ये क्या दिखा रहे हैं आप हम लोगों को, ठीक है, क्या दिखा रहे हैं आप हम लोगों को, क्या डराना है? नहीं, डरा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क मैंगलोर में स्थित है जहां पे ये सांप की ब्रीडिंग चल रही थी। पिलिकुला, याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये नेम बायोलॉजिकल पार्क का, PILIKULA, पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क मैंगलुरु कर्नाटक। ये देखिए, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, लेट मी नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो किंग कोबरा है, ठीक है, यहां लिखा तो हुआ है, करेट का भी वैरायटी दिख रहा है यहाँ पे वैसे, ठीक है, यस। चलिए देखते हैं, आप करेट हो या कोबरा हो, सांप सांप होता है, काटता है तो सीधे ऊपर का रास्ता दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिविटी कम्स एट अ कॉस्ट। मैं ये बता रहा था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मणिपुर लैंडस्लाइड, हु इज रिस्पॉन्सिबल, रेलवेज, ये आर्टिकल बता रहा है, यस। आइए देखते हैं रेलवेज की कहानी यहाँ पे, लेट्स सी स्टूडेंट्स। ये देखिए वाइटल लाइफलाइन, ये देखिए मणिपुर में लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। ये तीसरा लैंडस्लाइड था, मैं बता दूं पिछले 5-6 वर्षों में, इसके पहले दो लैंडस्लाइड्स हुए थे और रेलवे अथॉरिटीज ने उसको पूरा का पूरा रीजन दे दिया था। कहा क्या रीजन दिया था मैं बता दूं, झूम कल्टीवेशन, द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो बोला गया झूम कल्टीवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन कोई नई चीज नहीं है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लैंडस्लाइड्स होते रहे हैं उसके कारण, लेकिन लेकिन इतने बड़े स्तर पे नहीं। आइए देखते हैं ये कौन सा लैंडस्लाइड के पीछे रीजन क्या था, आइए देखते हैं। ये देखिए असम में एक जगह है स्टूडेंट्स लुमडिंग, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लुमडिंग, ठीक है, सिलचर लुमडिंग रेलवे लाइन यहाँ डाला गया था। लुमडिंग से और भी रेलवे लाइन देखिए डाला जा रहा था जीरीबाम तक। ये देखिए जीरीबाम इज इन द बॉर्डर ऑफ असम एंड मणिपुर, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, गेट द पॉइंट। और जीरीबाम से इम्फाल तक ये रेलवे लाइन फाइनली कंप्लीट किया जाएगा।
मैसिव रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, मैं बता दूं ट्रांस एशियन रेलवे का सबसे डेंजरस प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में। ये देखिए अब देखो सबसे डेंजरस क्यों बोल रहे हैं आप, आइए देखते हैं। यस तुपुल एरिया देखिए, यहीं पे देखिए बीच में पड़ता है, देखिए ये देखिए। व्हाई इज इट द मोस्ट डेंजरस प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांस एशियन रेलवे विच विल कनेक्ट यूरोप विद एशिया। हैव अ लुक, यहाँ पे एक टनल है, टनल नंबर 12, ये देखिए नाम से ही लग रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स, टनल नंबर 12 ऑन दिस लाइन इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल एट 11.55 किलोमीटर लॉन्ग। 12 नंबर टनल 12 किलोमीटर लंबा है, ये देखिए क्या ये बहुत बड़ा टनल है, इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, एक ब्रिज बन रहा है नोनी करके डिस्ट्रिक्ट, देखिए यहाँ पे नोनी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज बन रहा है, ध्यान दीजिएगा 141 मीटर्स अबव द सरफेस एंड दैट इज द हाईएस्ट वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए 141 मीटर ऊंचा, सी लेवल से नहीं उस जगह से, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो उसके पोल्स डाले जा रहे हैं वो 141 मीटर ऊंचे हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, इज इट गोइंग टू बी द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज? यस। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या बिना जियोलॉजिकल सर्वे के काम हो पाएगा, मुझे बताइए। ठीक है, क्या बिना जियोलॉजिकल मींस सॉयल का जियो टेक्निकल सर्वे के बिना काम करना भी चाहिए कि नहीं, बताइए मुझे। वंस द 1110 किलोमीटर ट्रैक इज लेट इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम टू 3 आवर्स फ्रॉम 12 आवर्स। ये देखिए ये हाइट सी लेवल से नहीं है, पियर लेवल है, यानी कि जो डाले जाएंगे पोल्स वो 141 मीटर लंबा है। सोचिए, मैं सोच के ही आई एम एस्टोनिश्ड सरप्राइज्ड, ठीक है गॉबस्मैक्ड एस्टोनिश्ड कंप्लीटली स्टम्प्ड, 141 मीटर ऊंचा सोचिए, ठीक है। और इसीलिए रेलवे लाइन ये देखिए, यहीं से लैंडस्लाइड्स हैव किल्ड एटलीस्ट 125 पीपल अक्रॉस 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिस ईयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेनफॉल इन अप्रैल, अबाउट हाफ ऑफ देम 49 कंफर्म्ड एंड 12 अदर्स मिसिंग विद लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल। और ये देखिए टुपुल सब स्टेशन पे ही ये हुआ था डिजास्टर जिसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये देखिए। अब सोचिए जब सॉयल के ऊपर रेलवे लाइन नहीं रह पा रहा, उखड़ जा रहा है फ्लड्स में, उतने ऊंचे लेवल पर सोचिए, ठीक है। सैंक्शनड इन फरवरी 2005 एज द नेशनल प्रोजेक्ट द 1110 किलोमीटर जीरी बाम इम्फाल रेलवे लाइन इज कंसिडर्ड अ वाइटल सेगमेंट ऑफ ट्रांस एशियन रेलवे एनविसेज्ड एज एन इंटीग्रेटेड फ्रेट रेलवे नेटवर्क अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। The broad gauge project entails connecting Manipur's Jiribam, a town on the border with Assam and state's capital Imphal, mostly across the fragile hills of Noni district. ठीक है, reduce the time to 3 hours from 12 hours presently. ये देखिए, क्या ये बताइए, क्या ये जो डेटा आपको इसमें दिखा बताया जा रहा है, क्या is it a surprising data? Tell me students. Tunnel number 12 is India's longest railway tunnel, 11.55 kilometers long. ठीक है, एंड 141 मीटर्स टॉल इज द रेलवे ब्रिज वर्ल्ड टॉलेस्ट। ये देखिए स्टूडेंट्स इस जगह पे, और देखिए उसका अंत में यही, अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है। रेलवेज हैव अपेरेंटली ब्लेम्ड टू सक्सेसिव डिजास्टर्स अलोंग प्रोजेक्ट साइट्स इन द नॉर्थ ईस्ट टू द प्रैक्टिस ऑफ झूमर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। लेकिन क्या वाकई में यही रीजन है? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, लोकल एनजीओज हैव सेड that railway should have learned from the Lumding Silchar project experience to minimize disasters in the equally vulnerable Jiribam Imphal sector. Railways ko pehle project ke pehle geotechnical survey soil ka zaruri chahiye hota hai. Ye word yaad rakhiyega, geotechnical survey. Ye dekhiye, theek hai, geotechnical survey, agree kar rahe hain? Mujhe bataiye. Researchers have advised the railways and the government to consult local people for sustainable projects. ये देखिए, locals को bypass करने में चिंता की बात है। Sustainable projects नहीं बन पाएंगे locals को अगर नहीं दिया जाएगा तो, ठीक है। साथ में, instead of bulldozing or drilling through the hills and leaving them at the mercy of the
forces of nature. Local NGOs in Noni said the railway should have learned lessons from the Lumding Silchar project. ये देखिए, ultimately कहा यही जा रहा है कि ये सब landslide prone areas हैं, ठीक है? और ये देखिए, in India the mountainous and hilly areas in 16 states and 2 UTs in the Himalayan region, sub Himalayan parts of northeast and in the western ghats are landslide prone. These areas comprise 12.6% of India's टोटल एरिया. 13% इंडिया का लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है. क्या ये डेंजरस डेटा है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स. ये देखिए 13% इज लैंडस्लाइड प्रोन एरिया. ये देखिए, इसलिए कहा जा रहा है दैट समय आ गया है कि थोड़ा सा तरीके से यहाँ पे काम किया जाए, नहीं तो फिर प्रकृति है और फिर क्लाइमेट चेंज भी है और बाकी चीजें, हम लोग केवल काउंट करते रह जाएंगे कितने लैंडस्लाइड्स आएंगे. ठीक है, यही वजह है दैट जियोटेक्निकल सर्वे इज इंपॉर्टेंट. लेट लगे तो लगे, लेकिन आपको ही लगता है कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चालू रखना चाहिए. ये वही बात होती है ना, जब आप व्हेन इवन यू डूइंग सम वर्क, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कभी कभी एक्सेसिव हम लोग वर्क कर लेते हैं, ठीक है, 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे, क्या वो सस्टेनेबल है या अनसस्टेनेबल है, मुझे बताइए. इट्स अनसस्टेनेबल, ठीक है. अचानक से काम करना फिर दो दिन सोना, नहीं, इट्स नॉट गुड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ. ये देखिए अगला टॉपिक, ये देखिए कितना प्रसन्न है जीव जंतु. ये देखिए एंडेंजर्ड स्टेटस रेड पांडा. ये देखिए 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन द फॉरेस्ट, यू कैन सी इट हियर. कौन सा फॉरेस्ट ये आ सकता है, पेयर्स में या नेशनल पार्क्स में. ये देखिए सिंगालीला नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल, ध्यान दीजिएगा, सिंगालीला नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, द हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड ये दार्जिलिंग हिल्स में है. ये देखिए सिंगालीला नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना. एंड पद्मज नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये भी वहीं पर है. ये देखिए पद्मज नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये देखिए ये रेड पांडा यहाँ पे ले जाए जाएंगे और वहीं पर रहेंगे. नेवड़ा वैली नेशनल पार्क, ये भी वहीं पर है. नेवड़ा वैली एंड सिंगालीला, याद रखिएगा नेवड़ा वैली यूपीएससी पहले पूछ चुकी है कहाँ पे है. नेवड़ा वैली नेशनल पार्क याद रखिएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ये एंडेंजर्ड है. ये देखिए यहाँ पे मैंने खुद ही एक टैग लगा दिया, देखिए बहुत ही प्रसन्न जानवर है लेकिन दुखी चल रहा है, रेलवे वहां से जा रही है. देखिए एंडेंजर्ड स्टेटस, ये देखिए भाई मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था दैट मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी. आज मैं तीनों दिन का क्लास ले रहा हूं, आप नोट किया होगा, ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. फूड कार्बन फुटप्रिंट, क्या बात है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकाउंट्स फॉर नियरली 1/5 ऑफ द कार्बन एमिशंस इन द फूड सिस्टम. ये देखिए क्या कुछ समझ में आ रहा है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जब आप खाते हैं, ठीक है, ब्रेड जब आप ऑर्डर करते हैं जोमैटो से एंड स्विगी से, तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगता है, क्या उसका अच्छा खासा कार्बन फुटप्रिंट पड़ता होगा, उसी का ये असर ही देखिए यहाँ पे, ठीक है. Have a look students, transportation of food impacts the carbon footprint. ये देखिए क्या इसका भी कार्बन फुटप्रिंट है. यस, ये देखिए. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी. तो दिस इज इट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. ये इतना काफी है एनवायरमेंट में, ठीक है. एक और न्यूज था, ये देखिए मानसून गेटिंग हॉटर देन समर, पता है क्यों, मुझे बताइए. मुझे बताइए क्यों मानसून्स में क्यों आप, मैं बस इतना एग्जांपल दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जुलाई अगस्त में जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है. मई जून में आप जी लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगस्त में लगेगा कि मर जाएगा इंसान क्योंकि ह्यूमिडिटी इन द एयर इज अटमोस्ट. ये देखिए, एंड ह्यूमिडिटी में क्या वाटर वेपर रहता है. इज वाटर वेपर अ ग्रीन हाउस गैस, टेल मी स्टूडेंट्स, इज इट अ ग्रीन हाउस गैस, लेट मी नो. ये देखिए दैट्स इट.
अब देखिए लिखा हुआ कि मॉनसून मेंट रिस्पाइट फ्रॉम द हीट, लेकिन आज की तारीख में मॉनसून में और ज्यादा तापमान। ठीक है, जैसे कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, हे भगवान अभी हीट वेव चल रहा है, जल्दी से मॉनसून लेते आओ, ठीक है, हीट वेव खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने आपकी सुन ली, पहली बार मॉनसून लेते आए भगवान, मालूम चला मॉनसून में हीट वेव तो कम हो गया, तापमान बढ़ गया। ये देखिए यहां, दैट्स इट। ये आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, बीएस पेपर टू, ठीक है। उसके बाद आप बोलिएगा ए भगवान मॉनसून लेते जाओ आप, ठीक है, तो भगवान बोलेंगे दैट अब बार बार नहीं ना सुनना है आपकी बात, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ गेट्स अ नॉड। ये देखिए इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी से न्यूज, पहला गवर्नेंस का न्यूज है, छत्तीसगढ़ गेट्स नॉड फॉर स्कूल प्रोजेक्ट फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक, ठीक है। यस, वेरी क्रूशियल पॉइंट किसने पुटअप किया है करंट ये चैट बॉक्स में। देखिए आई एम समटाइम्स मीन समटाइम्स 90% टाइम्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ द चैट बॉक्स डिस्कशन गोइंग ऑन इन माय क्लास बिकॉज एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, हैज ग्रोन अ लॉट इन द लास्ट सिक्स मंथ्स वन ईयर। हम देख रहे हैं, देखिए पुटअप किया गया है, डेवलपमेंट इफ इट क्रॉसेज सर्टन लिमिट इट अफेक्ट सोसाइटल बॉन्डिंग, एग्जाम्पल जापान, मैंने बताया था आपको, ठीक है। जापान का हम देखेंगे अलग से एक सेशन देखेंगे जापान के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए अब यहां से इस न्यूज से आपको लगेगा कि सर ये स्कूल प्रोजेक्ट फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, ये तो सर ग्लोबल गवर्नेंस का एग्जांपल है, एग्री कर रहा है ग्लोबल गवर्नेंस, डू यू एग्री, आप ग्लोबल एजेंसीज का इस्तेमाल करके हेल्प लेकर आप शिक्षा बढ़ा रहे हैं देश में, यस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, यहां पे इस न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल नॉड फ्रॉम द सेंटर, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ये देखिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या होता है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल मींस दैट द सेंटर हैज नो ऑब्जेक्शन टू द स्टेट बोरोइंग मनी फ्रॉम एन एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, सेंटर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल इज नॉट द फाइनल अप्रूवल, अभी डिस्कशन होगा उसके बाद फाइनल अप्रूवल आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, टेल मी, ठीक है, क्या इन प्रिंसिपल अप्रूवल वर्सेस फाइनल अप्रूवल मतलब समझ में आया, टेल मी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मींस टेम्पररी अप्रूवल फॉर डिस्कशंस, ठीक है, फॉर बोरोइंग, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को मेंस के लिए लिंक कीजिए, कहां पे, ग्लोबल गवर्नेंस इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये देखिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ जोनल काउंसिल डिस्कसेस सिक्योरिटी, ये देखिए जयपुर में मीटिंग चल रही है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की, ये देखिए कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कुछ कुछ चीजें, हैव अ लुक, आपका होमवर्क है, ये जोनल काउंसिल्स क्या ये बनाए गए थे इंटर स्टेट और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस प्रमोट करने के लिए, आर दे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, टेल मी स्टूडेंट्स, Were they formed after State Reorganization Act? मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए, पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ जोनल काउंसिल डिस्कसेस सिक्योरिटी, तो जोनल काउंसिल्स क्या है, प्रीलिम्स का टॉपिक है, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, फॉर्मड आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स के ऊपर जो भी कमीशन बनाए गए आपको याद रखना है, कौन कौन से कमीशन थे मुझे बताइए, एसके धर कमीशन, जेबीपी कमिटी, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सुना है आपने, फजल अली कमीशन सुना होगा आपने, ठीक है, चैप्टर वन पॉलिटी देख लीजिएगा, और उसके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जोनल काउंसिल बनाए गए थे, यस, इंटर स्टेट काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जोनल काउंसिल्स आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, यस, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, बिल्कुल सटीक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इसी में कितने जोनल काउंसिल्स हैं, ओरिजिनली जितने फॉर्म किए गए थे उसमें 1971 के आसपास नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल ऐड किया गया, मैं बता दूं यही एक जोनल काउंसिल जो बाद में ऐड किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है,
देख लीजिएगा कितने जोनल काउंसिल्स बनाए गए थे ओरिजिनली, बाद में नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एड अप किया गया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, एक बार मैप देख लीजिएगा जोनल काउंसिल्स का, मैप जोनल काउंसिल्स गूगल सर्च इमेज देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे कहां लिंक कीजिएगा, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये देखिए ये इसके कौन होता है इसका चीफ, एक्स ऑफिशियो चीफ इज द यूनियन होम मिनिस्टर। ये देखिए, और ये देखिए राजस्थान के सीएम साहब बगल में बैठे हुए। ये देखिए क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने की थोड़ी सी कोशिश हो रही है दोनों लोगों में। ये देखिए ठीक है, हैव अ लुक, फंक्शन देखिए ना क्या फंक्शन हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये गहलोत जी हैं आयोजक राजस्थान सरकार, देखिए सीएम है राजस्थान के, रोड के ऊपर डिस्कशन, ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिस्कशन, इंडस्ट्री के ऊपर, सब कुछ के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, एंड ये सब के सब ठीक है, दोनों लोग सोच रहे हैं, टेंशन में भी हैं और थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश में है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ठीक है, कंफ्लिक्टिंग फेडरलिज्म ठीक है, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सब प्रकार का फेडरलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे लिंक कीजिएगा इंटरस्टेट रिलेशंस एंड फेडरलिज्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन इंस्टीट्यूशंस में देखिए किसके बारे में बात चल रही है। देखिए यहाँ पे उनका फोटो ही गायब हो गया, मिस्टर बोरिस जॉनसन का। ये देखिए, आफ्टर मैक्सिम एलिजेशंस ओवर हिज गवर्नमेंट एंड ही टोल्ड दैट आई विल कंटिन्यू, ही हैड टू रिजाइन अल्टीमेटली। चले गए, गायब हो गए सीन से। ये देखिए, और इसलिए गायब हुए क्योंकि उनके यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही रेजिग्नेशन शुरू हो गया था। इट वॉज लेड बाय मिस्टर ऋषि सुनक, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी, हैविंग अ बिग बिग स्टेक इन यूके पार्लियामेंट। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, ये देखिए, और एलिजेशंस बहुत घरक लगे थे उनके यूनियन मिनिस्टर के ऊपर, बोरिस जॉनसन के मिनिस्टर के ऊपर, फिर भी ही जस्ट केप्ट ऑन सपोर्टिंग हिम एंड दिस वाज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट वाज ब्रॉट डाउन। ये देखिए, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की रेस में बहुत लोग खड़े हैं, अब देखा जाए कौन जीतता है। ये देखिए लिज ट्रस है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कंटेंडर, उसके बाद सेकंड में ऋषि सुनक है, ये देखिए नदीम जाहवी है थर्ड इन लाइन, साजिद जाविद है फोर्थ इन लाइन, पैनी मॉजोंट है एंड जेरेमी हंट है, इसमें से आधे लोग यूके के बाहर के हैं। सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि पहली बार यूके का टॉप लीडरशिप जा सकता है एक नॉन ब्रिटिश ओरिजिन के किसी पर्सन के हाथ में, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ये देखिए, ऋषि सुनक लॉन्चेस बिड टू रिप्लेस बोरिस जॉनसन, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, कंटेस्ट द टाइम टेबल मे बी आउट नेक्स्ट वीक, यू कैन सी इट हियर। इंडियन डायस्पोरा रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लिंक इट। क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी, अच्छा लिंक कीजिएगा। ठीक है, अब कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन एक चीज तो तय हो गया, बोरिस जॉनसन चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जीएस पेपर थ्री की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने शिंजो एबे के ऊपर डिस्कशन नहीं किया क्योंकि उनके डिस्कशन आधे घंटे लगेंगे, कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, यस, ऋषि सुनक के रेजिग्नेशन से ही सरकार गिरी है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, चलिए, यस, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमिक डिफेंस एक्सपोर्ट्स टच 13,000 करोड़ रुपीस, 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स हैविंग एप्लीकेशंस इन द सेक्टर विल बी लॉन्च्ड, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। ये देखिए यहाँ पे, इसे लिंक कर लीजिए साइंस एंड टेक में, इसे लिंक कर लीजिए आत्मनिर्भरता में, इसे लिंक कर लीजिए इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स में। ये देखिए, ठीक है, गॉट द पॉइंट, तो ऋषि सुनक के कारण ही सरकार गिरी है वहां पे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई लीड ले ही नहीं रहा था रिजाइन करने के लिए, रिजाइन किया उन्होंने, सब कोई रिजाइन कर दिया उसके बाद। तो ये देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स जरूर से, ये कहां कहां पे, यूएस वाज अ मेजर बायर, ये देखिए, ठीक है, एज ऑल्सो नेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। बोले सर ये कैसी बात सर, इंडिया यूएस से इंपोर्ट करता, इंडिया कब से एक्सपोर्ट करने लगा? अरे भाई, आप बोलिएगा, आप फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी में आप कहिएगा फॉर एग्जाम्पल दैट, या दिस, मान लीजिए
जो भी डिफेंस में वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो बड़ी चीजें होंगी। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस की तरफ वो दूसरी चीजें होंगी। एआई प्रोडक्ट्स से देखिए यहाँ पे, इट्स द सेम एज अ कंपनी विच इज अ प्रोड्यूसर ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स मे नॉट प्रोड्यूस ऑल स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, अ कंपनी विच इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स मे नॉट प्रोड्यूस चिप्स, दैट्स इट। ठीक है, बाइडेन जो जोसेफ बाइडेन के साथ हर फोरम पे कौन घूमेगा, सवाल ये नहीं है। जोसेफ बाइडेन पहले भी अकेले ही घूमते थे, सवाल ये है दैट जोसेफ बाइडेन के आगे कौन जाएगा। ठीक है, बोरिस जॉनसन पहले आगे ही रहते थे। इसे लिंक कीजिएगा स्टूडेंट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंडियन इकोनॉमी में और साइंस एंड टेक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यूजिंग रोबोट्स, ये देखिए। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्टीज होती हैं? उसमें एक बीमारी है ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये देखिए। ऑटिज्म का मतलब होता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। ऑटिज्म का मतलब होता है दैट स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम मीन्स एक स्केल है, ठीक है, और उस स्केल पर डिफरेंट सिम्टोम्स हैं। ये डिसऑर्डर, ये डिजीज नहीं है, उस सिम्टम्स है, मैक्सिमम सिम्टम्स अगर उस बच्चे के अंदर पाए जा रहे हैं तो बच्चे को कहा जाता है हाई ऑन एएसडी, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, उसके अंदर अगर कम सिम्टम्स है उस इंडिविजुअल के अंदर, उसे कहते हैं लो लोअर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लेकिन है, ठीक है। अब ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में क्या डिफिकल्टीज होती है? सबसे बड़ी बात, दे लैक सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर लैक करते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, सोशल बिहेवियर। इनफैक्ट दे डोंट नो, मीन्स बच्चों बच्चा लोग ये समझने में अनेबल रहते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है समाज में और सोसाइटी में, ठीक है। ऑटिज्म के बारे में अभी तक कंप्लीट रिसर्च नहीं हो पाया है, बचपन से ये परेशानी होती है, ठीक है। बच्चा थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्ड करता है, बच्चे को बोलने की परेशानी होती है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्पीच कम्स वेरी लेट और नेवर कम्स एट ऑल, दस चाइल्ड ट्राइज टू स्पीक, बोलने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है, और जब बोल नहीं पाता है तो फिर वो टेंट्रम्स शो करता है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। टेंट्रम्स हम लोग ये टर्म देते हैं, बट द किड इज अनएबल टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड वॉट ही थिंक्स। डू यू एग्री? टेल मी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये क्या आपके अंदर ऐसा नहीं होगा कि अगर आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? मुझे बताइए, बिल्कुल गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। इसीलिए बच्चा लोग जिसमें जिनको ये परेशानी है, थोड़ा तरीके से टैकल करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस लाना पड़ता है। और मैं तो बता दूं, हम सभी लोग स्पेक्ट्रम पे ही है। स्पेक्ट्रम पे होने का मतलब क्या होता है? हम सभी के अंदर एक ना एक खामी है। एग्री कर रहे हैं आप लोग? बताइए, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है, कोई अनसोशल है, आई एम वेरी अनसोशल लेट मी टेल यू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई घुल मिल नहीं पाता है अच्छे से, कोई डिलेड समझता है चीजों को, किसी का स्पीच डिलेड आता है। एग्री कर रहे हैं ना? मुझे बताइए, ठीक है। इसीलिए कभी भी मैं ये क्यों समझाता हूं आप लोगों, क्योंकि बच्चा लोगों को अलग नहीं रखते ऐसी जगह पे, ठीक है। दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सोसाइटी, इवन वी आर फुल ऑफ इलनेसेस, ठीक है। हमारे अंदर जितनी कमियां हैं उतनी किसी के अंदर नहीं है, इनफैक्ट, ठीक है, नहीं बताइए। हमारे अंदर तो इतनी कमी, इतना पढ़ के जाते हैं और प्रीलिम्स में जाकर सब टाइ टाइ फिस करके आते हैं, ठीक है, वहां पे पेंसिल भी है, ओएमआर शीट भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, सोचते हैं कि कुछ आज तो करके निकलेंगे, जैसे ही पेपर देखा, ठीक है, यूपीएससी ही हम लोग का कंप्लीट कंप्लीट वहां पे ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस पुट अप करता है दैट हमारी सारी प्रिपरेशन परेशानियों में बदल जाती है, ठीक है। तब लगता है कि शायद लर्निंग में कुछ परेशानियां हो गई है हम लोग के अंदर भी। आई होप यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स, दिस इज वाई एवरी वन हैज हिज और हर ओन डिसेबिलिटीज एंड डिफरेंशियल एबिलिटीज, ठीक है। इसीलिए कभी भी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैनी मैनी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स वर ऑन द स्पेक्ट्रम हु वेंट ऑन टू मेक सर्टन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। इवन आइंस्टाइन वॉज हैविंग अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट वी टेल यू, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि
आप शायद कैलकुलेशन नहीं कर पाते होंगे ज्यादा तेजी से। कभी स्पेक्ट्रम पे बच्चा लोग हैं, उन लोगों को कैलकुलेशन देकर देखिएगा, वो 13-14 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन वो लोग उंगलियों पर फिंगर्स पे करके दिखा देंगे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। यहाँ कहने का मतलब क्या है, इन बच्चा लोग हर बच्चे की एक अलग अलग इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है ऐसी जगह पे, यस, जहां उसके एक सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या मोटर स्किल्स हो, या पढ़ने की बात हो, या इंटरेक्शन की बात हो। उसके लिए क्या टीचर के लिए पॉसिबल है कि सारे बच्चों पे अलग अलग फोकस करें? नहीं। और क्या यहाँ पे एआई कैन प्ले द बिग रोल? टेल मी स्टूडेंट्स, लेट मी नो, कैन एआई प्ले अ बिग रोल? एआई एंड रोबोट, देखिए टॉय रोबोट कॉस्मो, ये देखिए दोस्त बन जाएगा बच्चा लोगों का। ये देखिए, ये पता है क्या करता है, ये अपना इंट्रो देता है पहले, ठीक है? तो बच्चा सीखकर बच्चा भी इंट्रो देता है अपना, इंट्रोडक्शन, ठीक है? फिर ये अपनी हॉबीज बताता है, तो बच्चा भी अपनी हॉबीज बताता है, दोनों खेलते रहते हैं आप आमने सामने, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डू यू एग्री? टेल मी, बिकॉज द रोबोट इज नॉन जजमेंटल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। दिस इज वेयर एआई कम्स टू प्ले अ बिग रोल, यस, एंड वी कैन सॉल्व द लर्निंग प्रॉब्लम्स फॉर चिल्ड्रन विद AST यूजिंग रोबोट्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसे जरूर से देखिएगा, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफरेंशियल एबिलिटीज किड्स। डू यू एग्री? टेल मी, इसे जरूर से, बस इतना ही काफी है यहां से, मैं बता दूं आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन, कमलम, ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, ठीक है? गुजरात और हरियाणा में अच्छा खासा ग्रो किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने इसका नाम कमलम रख दिया, लोटस, ये देखिए, ठीक है? ये देखिए स्टूडेंट्स, और कमलम या ड्रैगन फ्रूट के अंदर खूबियां क्या है, ये देखिए, इट्स गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। सवाल आ सकता है, ठीक है? ऐसे सवाल आएगा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? इट इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, लो इन कैलोरीज, हाई इन न्यूट्रिएंट्स, हैज प्रेजेंस ऑफ आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड जिंक, ठीक है? विच फ्रूट आर वी टॉकिंग अबाउट? मैंगो, बनाना, एप्पल, कमलम, ठीक है? आप सोचिएगा यार मैंगो मेरा पसंदीदा फ्रूट है, मैंगो मार्क करते हैं। कोई सोचेगा एप्पल होगा यार, एप्पल मार्क करते हैं। ड्रैगन फ्रूट कमलम इज द आंसर। इसे याद रखिएगा, लो इन कैलोरी, हाई इन न्यूट्रिएंट्स। ये देखिए, ऐसा सवाल निकल सकता है यूपीएससी में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। टेल मी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ चलते हैं। और बहुत बहुत महंगा है, इसे सस्ते में मत देखिएगा, 400 रुपए केजी बिकता है, ठीक है? एक एक पीस 60 रुपए का बिकता है, ठीक है? एक दिन जाकर खरीदिए, ठीक है, और खाइए, और उसका इन्फ्लेशन के कारण जो पैसे निकल रहे हैं पॉकेट से, उससे अपने आप कैलोरीज और कम हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक, पोलियो थ्रेट। ये देखिए, यूके हेल्थ ऑफिशियल्स ने अर्ज किया है लोगों को वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि पोलियो के बारे में, ये देखिए, ठीक है, पोलियो डिटेक्ट किया गया है एक वेस्ट वाटर में लंदन में। ही देखिए, क्या ये चिंता की बात है, ठीक है? ठीक है, पोलियो एराडिकेशन हो चुका था वर्ल्ड से मैक्सिमम प्लेसेस एक्सेप्ट पाकिस्तान। ये देखिए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान छोड़कर हर जगह से पोलियो खत्म हो चुका था, और फिर से वापसी किया पोलियो लंदन में, ठीक है? चिंता की बात है। तो कहा जा रहा है कि देखिए, अब यूके इज नॉट फेसिंग सम गुड डेज। ये देखिए, हैव अ लुक, यहाँ अभी देखिए ब्रेक्सिट टू एग्जिट अभी आया था, देखिए यहाँ पे, हाँ ये मैं हेडिंग बताना ही भूल गया आप लोगों को, देखिए ब्रेक्सिट टू एग्जिट द राइज एंड फॉल ऑफ जॉनसन। ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का एग्जिट करवाया यूरोपियन यूनियन से, फिर खुद ही एग्जिट हो गए, ये पहली परेशानी, ठीक है? और दूसरी परेशानी ये देखिए, पोलियो वैक्सीन, देखिए यहाँ पे, तो गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स, पोलियो कैसे स्प्रेड करता है, मैं अटैच कर दूंगा स्लाइड, पोलियो स्प्रेड कैसे करता है, पोलियो के स्प्रेड में ये फीको ओरल रूट है, पानी से स्प्रेड करता है, मैं बता दूं, ठीक है? नर्व्स पे असर करता है, एंड इट मेक्स द पर्सन फिजिकली डिफरेंशियली एबल्ड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है? फिजिकली डिफरेंशियली एबल्ड, ये चीजें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? इज दिस क्लियर? लेट मी नो स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। फिजिकली डिफरेंशियली एबल्ड, ये देखिए, फ्रॉम ब्रेग्जिट टू एग्जिट मीन्स जब
मैंने ये पढ़ा, देखिए इसे कहते हैं न्यूज़पेपर का हेडिंग आर्टिकल का, ठीक है, जब पढ़ा तभी समझ में आ गया क्या तबीयत से लिखा गया आर्टिकल होगा, ठीक है, बोरिस जॉनसन के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट्स यहीं पे एंड करते हैं आज का सेशन, दो तीन न्यूज रह गए हैं, कल देख लिए जाएंगे कल के सेशन में, ठीक है। कैसा रहा सेशन मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में। 3 दिन के सेशन में द हिंदू का न्यूज आज डिस्कस किया हम लोगों ने, इसमें 2 न्यूज रह गया है, ठीक है, साइंस एंड टेक की फील्ड से ही, ठीक है, विल कवर अप टुमारो, एंड जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस लाइव मिंट का न्यूज है वो भी कल कवर अप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन अच्छा खासा एरिया कवर कर लिया गया, देखें यहाँ पे, ठीक है, अच्छे खासे न्यूज विद बोरिस जॉनसन ऑल्सो, वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, एंड ये एनवायरमेंट का तो अच्छा खासा न्यूज था, ज्योग्राफी का अच्छा खासा न्यूज था, देखिए यहाँ पे रेड पांडा भी देखिए, कोबरा भी देखिए, देख लिया गया, इसमें रेड सांप भी है, लिखा नहीं है इसमें लेकिन, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर देखिए, ये एनवायरमेंट में ग्रास एंड कारगिल सेक्टर कहाँ पे देख लिया गया, और उसके पहले ये भी देख लिया गया अतापुर का माउंटेन्स में, जहाँ इतिहास के पन्नों में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे पूरी करने की कोशिश में इंसान, ये देखिए, और उसके पहले, ठीक है, यस यस कल सुबह में सेशन होगा, और उसके पहले देखिए जीएफ के जस्ट ऊपर में दिस बुद्धिस्ट साइट कन्नती एंड कनहल्ली रिवर भीमा के ऊपर, यू कैन सी इट हियर, गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। आई वाज यस्टरडे जब रेस्ट कर रहे थे, यस्टरडे आई जस्ट ओपेंड अप द अमेज़न प्राइम एंड वेंट ऑन टू सी सम फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑफ केजीएफ 2 एंड देन आई टुडे आई सॉ द होल मूवी, ठीक है। इसीलिए कभी कभी जो मूवीज होती है ना, दिस सम मूवीज हम मूवीज देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और कभी कभी मूवीज में से अच्छे अच्छे कोट्स निकाल लेने चाहिए, ठीक है, और कोट्स मोटिवेट भी करते हैं आपको, गेटिंग द पॉइंट। Got it, students. I was a big fan of KGF 1 itself. ठीक है, I had seen it many times. Okay. तो by default second part देखना जरूरी था। मैं South Indian movies ही देखता हूँ, मैं Bollywood movies नहीं देखता हूँ, मैं बता दूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, हम लोग with some change, जो कोट जो प्रकाश राज बोलते हैं शुरू में उसको कुछ चेंज करके कल हम देखेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑलवेज विंस की जगह पे कुछ और भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री नेवर रिपीट्स, विल सी इट टुमारो एंड विल सी इट बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये कहा जाता है बार बार, नहीं, हिस्ट्री नेवर रिपीट्स, ये भी कथन पूर्ण सत्य है, ठीक है, कल हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो विद दिस आई विल एंड द सेशन, टेलीग्राम चैनल @academy_anuragsingh जुड़ जाएगा सेशन के फ्री पीडीएफ एंड फर्दर अपडेट्स के लिए, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।